अजमेर जिला परिषद की साधारण सभा आज जिला प्रमुख सुशील कुंवर पराड़ा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जिला परिषद की साधारण सभा के साथ साथ आज जिला आयोजना समिति की बैठक भी आयोजित की गई। जिला आयोजना समिति में जिला वार्षिक योजना वर्ष 2021-22 की महामार्च 2022 तक की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति पर समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिला परिषद सदस्यों ने अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को उठाया। कनेक्शन दिए, उनकी रसीदें भी रही है, लेकिन अभी तक वहाँ टेस्टिंग भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई एक बूंद पानी का नहीं टक रहा है वहाँ पर। हमने वहाँ लोकल अधिकारियों को भी कई दफा फोन किया है, पर इसकी समस्या का समाधान कराओ, समस्या का समाधान कराओ, लेकिन जन प्रतिनिधि होने की हैसियत से हमारे जनता हमारे कपड़े बांधती है वहाँ, किसको गए हम वहाँ जाके। और एक ग्राम पंचायत की नहीं है, मेरे पूरे वार्ड नंबर 24 के जितने भी अंतर्गत गाँव आते 40 गाँव में ये की यही समस्या उत्पन्न हो रही है वहाँ साहब। ये विकट समस्या है, और इतना पानी होने के बावजूद भी मतलब लोगों को पानी नहीं दिया जा रहा है। एक साल हो गया, उसके एक साल बाद में इन्होंने नहीं तो सीसी करवाई है वहां पर, नहीं कुछ कोई करवाया है। अब वैसे वैसे गड्ढे पड़े हैं, अब पानी का बरसात का मौसम हो गया, वहां पर गाय दिन गाड़ियां बसती है, और कोई आदमी घरों में जाते हैं तो वहां पर जाए। साहब किसान इन्होंने विभाग द्वारा उनको कह दिया कि आपकी पनिया सेंक्शन हो गई, ठेकेदार है, तीन ठेकेदार है मेरे बिहार क्षेत्र में, दो पन्नी वाले हैं, एक बिगर पन्नी वाला है। अब बिगर पन्नी वालों के अब खोद के पटक दिया, या तो उस खड्डों को ये भरवा दें या फिर प्लास्टिक कर। एन साहब है बिसलपुर योजना के, उनको फोन करते हैं, उनके ऊपर जूं तक नहीं रहती है कि वो मतलब एक ही उत्तर रहता है कि हम हमारे मतलब प्रोसेस से पानी छोड़ेंगे और प्रोसेस से होंगे। नल कनेक्शन एक गांव फतेहपुर पूरा मतलब नल कनेक्शन होने के बावजूद पानी नहीं छोड़ते, बोले कि हमारे वहां पे कागजी कार्रवाई पूरी नहीं है। ये एक बिसलपुर परियोजना का जो नल कनेक्शन घर घर का ये जो योजना है सर, उसमें अध्यक्ष महोदय ये अपनी मनमानी से मतलब एक वो चला रखी, आज लोग 6-7 महीनों से पैसे जमा करा रखे, उसके बावजूद भी उनके घर घर कनेक्शन नहीं है। पाइप लाइनों से सारी सड़कें तोड़ तोड़ के वो मतलब उस हिसाब से हो गई, उससे अच्छा तो ये गड्ढे मतलब हो तो वो पार करना अच्छा है। मैंने एक भी कार्य शुरू नहीं हुआ, क्या कारण है? मतलब इतना शुरू हो गया, वर्क ऑर्डर भी हो गया, टेंडर भी हो गए, फिर भी जो ये किसान का जो जिसपे वर्क ऑर्डर हो गया वहाँ काम शुरू क्यों नहीं हुआ है, और न उसकी कोई मॉनिटरिंग हो रही है? ऐसे तो फिर कई लोगों ने 3-4 महीने पहले पैसे जमा करा दिए, अब वो लोग पीछे पड़ेंगे, क्या हुआ हमारे से पैसे ले लिए, बाकी लोगों से ले लिए, स्पष्ट और कोई व्यवस्थित कोई नहीं है। पिछली बैठक में भी हमने ये मुद्दा उठाया था, और इन्होंने कहा था कि मार्केट ग्राम पंचायतों में संपर्क करेंगे, लेकिन इन्होंने आपने जिसमें दे दिया है हम इसको 7 दिन के अंदर ही करेंगे। ये स्थिति ये है कि ये मीटिंग में ये कहने के बाद भी कि सभी को होली के बाद सूचना कर देंगे, आज तक इन्होंने कोई सूचना नहीं करी है, पर विभाग अपने विभाग में ये है। तो मेरा निवेदन आपसे है मैम कि इनको थोड़ा बताएं कि ये ऐसी लापरवाही क्यों कर रहे हैं, और ऐसी लापरवाही का ही नतीजा ये है कि लोगों को पता है कि ये इन्होंने कह दिया तुम्हारे ऊपर नहीं लगा देगी। अभी डीआर साहब कह रहे थे, अभी आए थे आपसे नींद रुके ही बैठे, तो कम से कम ये झूठ तो नहीं बोले, और जो चीज है वो ही कह रहे हैं। और अगर उनको कह दिया है कि आपके पन्नी लगा देंगे तो जैसे भी करके इस साल में पास करके उनको कंप्लीट करा रहे ताकि कास्कार फैसला नहीं। कुछ फॉर्म्स पहले बिना पन्नी के स्वीकृति के लिए पुट अप किए थे, तो आप माननीय सदस्य महोदय ने सीओ साहब की तरफ कहा था, तो अपन ने उसके बाद जो भी प्रस्ताव मंगाए तो वो सब पन्नी वाले मंगाए, और जयपुर से इसको कहकर के पन्नी वाले स्वीकृत करा दिए। कुछ कास्कारों के पन्नी वाले जिनके नहीं है, अब वो लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे भी पन्नी लगाए, तो मैंने इनसे इतना ही निवेदन किया है कि ये मार्च योजना मार्च 22 में खत्म हो गई, तो अब इसमें हमारे लिए जितने सारे कार्य जयपुर से सेंक्शन होते हैं, अपने पास से कुछ होता नहीं, हम तो यहाँ से जीरो टैक्स करते हैं। कि एसी साहब ने हमारे लिए ऐसा बोला कि कोई भी आप मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हो। एसी साहब ये लोकतंत्र है, जनप्रतिनिधि का सम्मान करना सीखो आप। बिल्कुल मैडम यही भाषा है, ऐसे नहीं बोलना। अपने दायित्व से हट रहे मैडम, ये अपने दायित्व में से भाई आपके पास कोई जवाब नहीं था, ऐसे अधिकारी ऐसे आपके पास कोई जवाब नहीं था तो जनप्रतिनिधि को संतुष्ट जवाब देते थे आप। आप बोलते कि जो भी है मैं आगे की कार्रवाई करूंगा, मैं जो भी मेरे लेवल का काम होगा मैं करूंगा, पर आपको ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए। आपको आगे से ध्यान रखिए, ये आपको माफ कर रही हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। सदस्य
सदस्यों को स्वीकृति उपलब्ध कराई जाए, लेकिन न तो पीडब्ल्यूडी विभाग, न ये जलग्रहण, न ये पीएचडी कोई भी जिला परिषद सदस्यों को आज तक कहने के बावजूद भी स्वीकृतियां उपलब्ध नहीं करा रहे। क्यों नहीं करवा रहे? या तो ये मना करने में हम नहीं करवाएंगे, हम बार बार ये बात कहते हैं, ये कहते हैं उपलब्ध करा देंगे। माननीय सदस्य पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए सभी अधिकारीगण। है किसी के पास जवाब? समझ में नहीं आता क्या है? हर मीटिंग में होता है भाई, जो भी कार्य होता है उनकी सूचना हर जिला परिषद सदस्य को देना चाहिए। बार बार कहने से आपको, मुझे भी अच्छा नहीं लगता आपको डांटते हुए। तुमको ये नहीं है आपके पास कोई सूचना है ही नहीं, अपन करना ही नहीं चाहते, काम ही नहीं करना चाहते। नींव ही नहीं खोदी और दीवार दीवार खड़ी कर दी। आप मेरे से फोटो ले सकते हो और अभी अभी एक दिन भी मतलब शुरू नहीं हुआ, उससे पहले गेट टूट के नीचे गिर गए। उसको कहने के बाद भी वो कार्य नहीं कर रहा है। और डूंगरिया खुर्द में उपवास केंद्र स्वीकृत है, पट्टा जारी कर दिया, सब कुछ दे दिया, जगह हमने आपको दे दी, फिर भी वो कार्य शुरू क्यों नहीं कर रहे? क्या है सीओ साहब? बता देना माननीय सदस्य को सूचना दे देना। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सर्वा क्षेत्र में ये जो पार्क बोर्ड की जो योजना है, क्या वहाँ के किसानों के लिए ये योजना नहीं है? क्या सर्वा क्षेत्र नहीं है क्या पार्क बोर्ड योजना में? योजना जलग्रहण में भी है मैडम। इसमें अपन अभी जो नया जलग्रहण आया है, जिनके भामलाव, अजगरा, भगवानपुरा, जगपुरा, इस वाले क्षेत्र में, मैं ये कहना चाहती हूँ जो भी नई योजनाएं आती है माननीय सदस्य को सूचना दे दिया करो आपके, लेकिन मैं दे दिया करो आपको भी। मैडम मैंने तो ये जो नए जलग्रहण का कार्य चल रही है, मैंने लेटर के माध्यम से आप सभी को निवेदन किया था, पुष्कर घाटी से लेके जो बूढ़ा पुष्कर सड़क पिछले साधारण सभा में बात रखी थी, उसको क्यों नहीं बना रहे? अब तो वन विभाग वालों ने भी सहमति दे दी कि भाई आप जितनी है उतनी बना लो, फिर भी कितने लोग बूढ़ा पुष्कर जाते हैं अंजेर घाटी से उतर के, कितनी वो रास्ता खराब हुआ है, उसको क्यों नहीं बना रहे? टेंडर हुए भी 6 महीने से ऊपर हो गए। इसके अलावा एक कड़ियल तिलोरा सड़क से जंगला सीमा तक जो सड़क है उसको भी 6 महीने से ऊपर वर्क ऑर्डर हुए हो गए, उसका काम भी क्यों नहीं करवा रहे? इसका जवाब दे सदन में विभाग के पीडब्ल्यूडी से। इस पर आपका क्या कहना है? हर साल जो पीडब्ल्यूडी के लिए जो बीच बार के लिए जो एसआर प्रोग्राम अप्रूव हो रहा है वो अभी रिसेंटली 10 से 15 दिन पहले ही हुआ, तो आप इस बार जो हम लोग कर रहे हैं उसका रेट कॉन्ट्रेक्ट करेंगे, जो डीएलपी की सड़क होगी उनके लिए, और जो हमें को पेच वर्क करना है हम जल्दी इनके टेंडर करके और बारिश से पहले तो डब्ल्यूबीएम की मैचिंग कर। सेंक्शन है उसका क्या होगा? जो टीपी मोड में आई है जो टीपी मोड की जो सड़क सेंक्शन हुई है, जो 3 सड़क तो इस बार भी पैकेज है जिसमें ब्यावर, मथुरा, कोयला और फिर आराई से किशनगढ़, और ये वाली जो 3 सड़कें हैं नहीं मांगियावास से लेकर के जो आगे जिंदोदा वाली जो सड़क है टेला टेला हो गई, 6 महीने का साल भर से ज्यादा हो गया, पर ये करेंगे सब जल्दी करेंगे सारी सड़कें। और जहाँ तक हो सके इस बाईपास से ही रोड पर निकाले जाए। आपको केवल बाईपास से केवल 1 किलोमीटर रोड बनाने की जरूरत है, अगर आप अंदर से बनाओगे तो आपको उनसे 8 किलोमीटर की रोड की आवश्यकता होगी। इस बारे में सर आप स्पष्टीकरण करें सर, कि क्या वजह है जो आप नहीं बता रहे? जल जीवन मिशन सर, मैं पीएचडी बोल रहा था, सहकारी जीवन सुरक्षा बीमा के तहत ये पैसे काटे जा रहे हैं सर। सहकारिता विभाग से